हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन आल्सो लॉग इन टू आवर वेबसाइट www.shivalearning.in। गाइस, ये वीडियो मैं लाया हूँ गेट का एग्ज़ाम देने वालों के लिए, उनके लिए 1 मंथ प्लान या 1 मंथ स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके गेट में, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गेट विल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। गाइस, गेट आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, और तो इसके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप अपने बेसिक्स पर काफ़ी अच्छे से पकड़ बना लें। और इसका सबसे अच्छा तरीका रहेगा या तो आप किसी को टीच करें, किसी को पढ़ाएं, या उसके नोट्स बनाएं, आप दोनों ही काम करें। इससे क्या होगा, आपको ग्रैप करने की पावर काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आप काफ़ी ढंग से चीज़ों को समझ और बता सकते हैं, तो आप उन्हें एक्सप्लेन भी एग्ज़ाम में ढंग से कर पाएंगे। गाइज, हम नेक्स्ट उसकी बात करें तो जो गेट एग्ज़ाम के लिए, कैंडिडेट शुड प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन ऑल कंसेप्ट स्टडीज। गाइज, आपको जितने भी आपने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, आप उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहिए, इससे काफ़ी मदद मिलती है। लाइक मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, गेट मॉक टेस्ट, ये सब आपको देते रहने चाहिए। ये मैं 1 मंथ की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बाकी आप सब लोगों को पता ही है, आपकी तैयारी लगभग अभी तक हो ही चुकी होगी, बट 1 मंथ में आप लास्ट ईयर 1 मंथ में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मैं ये वो बताने वाला हूँ आपको। नंबर थर्ड है, पास्ट ईयर पेपर शुड बी सॉल्व। पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने से आपका फ़ायदा ये होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे ढंग से, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज के आते हैं, तो उस टॉपिक को आप ढंग से अपना क्लियर कर लीजिए। और नेक्स्ट ईयर हम बात करें तो, टेकिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट गिव्स 2 वर्ड विद 1 स्टोन। इसमें लिखा हुआ है इस आर्टिकल में कि टेकिंग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने से आप एक पत्थर से 2 चिड़िया को शिकार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा इन्होंने लिखा क्या है इसमें। 1, यू गेट टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन ऑफ गेट एग्जाम लेवल। 2, यू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द ऑनलाइन टेस्ट। गाइज, बिल्कुल सही बात है। आप एक तो गेट एग्जाम लेवल के आप क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हो, आप उनका मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप को पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप का आने वाला है, और आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा ऑनलाइन टेस्ट देने का। तो गाइस, नेक्स्ट वन की बात करें तो, मॉक टेस्ट शुड बी टेकन एदर फ्रॉम 9:30 AM टू 12:30 PM और 2:30 PM टू 5:30 PM। इससे होगा क्या गाइस, जो भी आपका स्लॉट होगा एग्ज़ाम का, आप उस टाइम पर अगर मॉक टेस्ट देंगे तो इससे आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा उसी में ढल जाएगी, यानी कि आप बॉडी अपने रूटीन पे उस रूटीन के अकॉर्डिंग हो जाएगी कि हाँ इस टाइम जैसे कुछ बच्चों को नींद आ जाती है, लाइक कुछ बच्चे 2:30 से 5 के बीच सोते हैं दिन में, और वो एकदम से अगले दिन एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें नींद आने लगेगी। एक एग्ज़ाम्पल था गाइस। तो गाइस, आप मॉक टेस्ट जो दें उसी स्लॉट में दें जो स्लॉट आपको मिला हुआ है। एंड नेक्स्ट वन इज़, कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल्स हाई। यू कैन डू दिस बाई एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ सराउंडिंग योर सेल्फ विद सच पीपल दैट मोटिवेट यू। गाइज, ये कॉन्फिडेंस तो वैसे हर एग्ज़ाम का एक थम रूल सा है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप गाइज शायद ना कर पाएँ कुछ, क्योंकि कॉन्फिडेंस आप गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ बच्चों को पहले से हेजिटेशन हो जाती है कि कैसे होगा क्या होगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए, और लास्ट 1 मंथ में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है आपको। तो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट इज, एसेस एक्सपेक्टेड टाइम फॉर अ क्वेश्चंस। गाइज, इससे क्या होगा, आप हर एक क्वेश्चन का एक अंदाज़ा लगा लें कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, और उसको रेगुलर इम्प्रूव करिए, उसको प्रैक्टिस करिए जिसमें आपको कम ज़्यादा टाइम लग रहा है। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और क्वेश्चन आप जल्दी से सारे कर सकते हैं। एंड एक पॉइंट इसमें है नहीं, मैं बताता हूँ, थोड़ा आप कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर पर काम करना शुरू करिए, और उससे क्या होगा, आपके हैंड उस पर हैंड ऑन हो जाएगा कि हाँ ऐसे यूज़ करना है, इससे भी काफ़ी मदद मिलती है इस गेट के एग्ज़ाम में। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। एंड थैंक यू गाइस।